नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल PCSNP Tech में। दोस्तों आज हम देखेंगे कैसे आप PCSNP रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बिल क्रिएट करेंगे। तो आप बहुत ही ईजीएस्ट वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से PCSNP रेस्टोरेंट बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जाएंगे सेल में। सेल में आपको पहला ऑप्शन दिखेगा सेल ऑफ गुड्स का। सेल ऑफ गुड्स पे क्लिक करेंगे और सेल ऑफ गुड्स को ओपन करने का शॉर्टकट भी है कंट्रोल के साथ नंपैड वन। कंट्रोल के साथ जैसे ही नंपैड वन प्रेस करेंगे सेल का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब सेल के फॉर्म को ओपन करने के बाद आपको दो ऑप्शन देखेंगे, एक दिखेगा टेक अवे का और एक दिखेगा डाइन इन का। तो बाय डिफॉल्ट टेक अवे ऑप्शन इनेबल है। अगर आपको डाइन इन यानी टेबल वाइज बिलिंग करनी है तो आप डाइन इन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल भी शो हो जाएंगी। अदरवाइज अभी हम टेक अवे देखते हैं। टेक अवे पे क्लिक करेंगे। टेक अवे पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको ऑर्डर टाइप शो हो रहे हैं, स्विगी, टेक अवे, जोमेटो, और इसी तरह से आप उबर, फूड पांडा, होम डिलीवरी, अलग अलग तरह के मल्टीपल ऑर्डर टाइप्स आप क्रिएट कर सकते हैं। जिस भी ऑर्डर टाइप की आपने बिलिंग करनी है उस ऑर्डर टाइप पे आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही जो ऑर्डर टाइप का बॉक्स है वो ग्रीन हो जाएगा। इसका मीनिंग ये होता है कि आप उस जिस भी ऑर्डर टाइप बॉक्स का कलर ग्रीन हो आप उसी ऑर्डर टाइप का बिल क्रिएट करने जा रहे हैं। तो अभी हम टेक अवे पे क्लिक करेंगे और टेक अवे का बिल क्रिएट करेंगे। तो टेक अवे का बिल पे क्लिक करने के बाद जो भी आइटम आपने उस बिल पे सेल करने हैं उन आइटम को आप सर्च करेंगे। आइटम सर्च यहाँ से भी कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट कोको कोला पे क्लिक किया तो कोको कोला की एक क्वांटिटी यहाँ पे ऐड हो गई। अगर आप सर्च नहीं करना चाहते हैं तो आप जैसे बेवरेजेस पे क्लिक करेंगे तो बेवरेजेस में आपको जो भी बेवरेजेस के अंदर के आइटम होंगे कैटेगरी के वो आपको यहाँ पे आइटम डिस्प्ले हो जाएंगे। आपने उन आइटम्स पे क्लिक करना है। एक बार क्लिक करेंगे तो एक क्वांटिटी ऐड होगी, दो बार क्लिक करेंगे तो एक क्वांटिटी और बढ़ जाएगी। अगर आपको एक साथ मल्टीपल क्वांटिटीज इंक्रीज करनी है, बढ़ानी है, तो जिस भी आइटम की क्वांटिटी को आप बढ़ाना चाहते हैं उसको पे इस तरह से ग्रीन कलर का सिलेक्टेड होगा। आप अप एंड डाउन एरो से ग्रीन कलर से सिलेक्टेड रहेगा तो उस जगह आपने F1 प्रेस करना है। F1 प्रेस करते ही क्वांटिटी ओवरराइड की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपने उस आइटम की सेल करनी है वो क्वांटिटी आप यहाँ पे लिख देंगे। मैंने 20 टाइप किया तो 20 क्लिक करते ही आप यहाँ देख पा रहे होंगे 20 क्वांटिटीज मैगी की ऑटोमेटिक ऐड हो गई और उसके हिसाब से अमाउंट जो है वो भी कैलकुलेट होके यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर हमें किसी और कैटेगरी का कोई आइटम सेल करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे सिंपली, इस तरह से आप आइटम ऐड हो जाएगा। अब जैसे ही आपको बिल निकालना हो कि आपने सारे आइटम ऐड कर दिए, अब आप बिल निकालना चाहते हैं तो बिल निकालने के लिए आपने सिंपली F9 प्रेस करना है। F9 प्रेस करते ही आपको टेंडर की विंडो दिखेगी जहाँ पर आप ये देख पा रहे होंगे कस्टमर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर, टाइटल, कस्टमर नेम, GST नंबर, और अदरवाइज अगर कूपन की सेटिंग भी सेव है तो कूपन भी जनरेट हो जाएगा सेल अमाउंट के अकॉर्डिंग, और पॉइंट डिस्काउंट यहाँ पर आप दे सकते हैं, उसमें पॉइंट भी कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और जो पेमेंट मोड की विंडो है वो यहाँ पे ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से पेमेंट मोड से उन्होंने पेमेंट की हुई है, वो भी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। कैश की है तो जो भी टेंडर अमाउंट है, मान लीजिए उन्होंने आपको 1500 रुपीज दिए तो आपको ये पता चलेगा बैलेंस अमाउंट कितना हमको रिटर्न करना है, वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। टोकन अगर प्रिंट करना हो तो टोकन पे क्लिक कर सकते हैं। टोकन इसलिए दिया जाता है कि अगर किचन पे आपको टोकन देना हो कि वहाँ पे जो भी आइटम्स हैं वो प्रिपेयर हो जाएं रेस्टोरेंट में तो आप वो टोकन यहाँ पे निकाल सकते हैं, और अदरवाइज अगर आपका जो भी आइटम्स है ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है तो आप टोकन निकालने की नीड नहीं है। तो टोकन पे क्लिक करेंगे तो टोकन निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं निकलेगा। और अभी मैं टोकन पे क्लिक कर देता हूँ जिससे मैं आपको दिखा सकूँ कि किस तरह से बिल निकलेगा, यानी टोकन निकलेगा और बिल निकलेगा। तो इसके बाद आपने ओके पर क्लिक करना है और मैं आपको दिखाऊंगा ओके पर क्लिक करते ही किस तरह से बिल निकलेगा यानी प्रिंट होगा। चलिए देखते हैं। अब जैसे ही ओके पर क्लिक किया जाएगा, ओके पर क्लिक करते ही जैसे ही मैं ओके पर क्लिक करता हूँ, ओके पर क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ
यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से, देखिए टोकन निकल के आ जाएगा, टोकन की पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी, क्या क्या आइटम्स हैं, कितनी क्वांटिटीज हैं। तो इस तरह से इसको हम देखेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे ये आपको शो हो जाएगा कि टोकन नंबर क्या है, डेट क्या है, टाइम क्या है, नेम अगर अभी कस्टमर होता तो कस्टमर का नाम आता, अदरवाइज कैश प्रिंट होगा, और जो भी आइटम्स उसके बिल के अंदर हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। ठीक है, इस तरह से इन्फॉर्मेशन पूरी शो हो जाएगी। उसी तरह से जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा डू यू वॉन्ट टू प्रिंट बिल, तो हम जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करने के बाद इस तरह से देखिए बिल भी प्रिंट होके आ जाएगा, बिल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। अब हम इसको कट कर लेते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे बिल नंबर है, यूज़र जिस यूज़र के थ्रू बिल बनाया गया है उसका नाम भी यहाँ प्रिंट हो जाएगा, ऑर्डर टाइप भी देखिए यहाँ पे शो हो रहा है, नेम कैश और जो भी आइटम्स के नेम है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे इस तरह से, और सब टोटल आ जाएगा, टैक्स बाइफर्केशन भी आ जाएगी और टोटल भी आ जाएगा फिर डिस्प्ले, और देन उसके बाद अमाउंट इनवर्ट्स भी शो हो जाएगा, और जो भी कैश में हमने अमाउंट उन्होंने हमको पे किया था तो वो भी यहाँ डिस्प्ले हो गया, जो भी हमने कैश उनको रिटर्न किया है वो भी यहाँ पे बिल पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप PSSNP रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर में बिल क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।